हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोल्ट ऑडियो के। ये एक वायरलेस ईयरफोन मॉडल है क्यू चार्ज और काफी शानदार है वो प्रोडक्ट है। प्राइस की बात करूं तो वो है 1100 रुपए के अराउंड और बैटरी बैकअप है वो है अप टू 25 आवर्स का। 18 से 25 घंटे की बैटरी बैकअप की रेंज है और स्टैंड बाय टाइम है वो लगभग 48 से 50 घंटे का है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे ये कि ये बढ़िया और अच्छा नेकबैंड है वो लगा। नेकबैंड की जो वेट है वो बिल्कुल ही कम है, मतलब एकदम लाइट वेट है, इजीली है वो, हम इसको यूज में ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें बात करें इसके फास्ट चार्जिंग की तो 8 मिनट में है वो 8 घंटे का चार्ज देता है और फुल चार्ज है वो आधे घंटे में हो जाता है और लगभग 25 घंटे का है वो बैटरी बैकअप हमें दे देता है। उसके अलावा जो म्यूजिक क्वालिटी है वो कुल मिला के अच्छी है। अभी हम टेस्ट करेंगे कि इसकी जो म्यूजिक क्वालिटी है वो कैसी है। तो ये है अपने पास बोल्ट ऑडियो के क्यू चार्ज नेकबैंड और विकी कौशल है वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। बात करें इसकी साइड की तो यहाँ कुछ हाइलाइट्स हैं वो लिखी हुई हैं। 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, डीप एचडी बास और 3D ऑस्कोटिक्स मिल जाता है, साथ ही साथ माइक है और एक्स्ट्रा बास और इनबिल्ट माइक्रोवूफर है वो मिल जाते हैं। साइड में इसकी ब्रांडिंग है, पीछे की तरफ देखें तो कुछ खास नहीं है। तो सबसे पहले करते हैं हम इसकी जो सील है उसको ब्रेक और उसके बाद में हम देखते हैं अपने मेन प्रोडक्ट को। और कलर है इसका वो है ब्लू, MRP है वो है लगभग 1100 रुपये के आसपास। और पैकेजिंग है वो कुछ खास नहीं है, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग साइज़ में। और ये अपना मेन है वो नेकबैंड है, बाकी पीछे देखें तो छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन है, इसके अंदर हम देखते हैं। और यहाँ हमें एक ये USB टाइप सी वाली चार्जिंग केबल मिल जाती है जो कि इसको चार्ज कर देगी लगभग आधा घंटे में पूरा। बैटरी बैकअप है कंपनी क्लेम करती है लगभग 25 घंटे तक का। और ये बॉक्स है बाकी पूरा खाली, इसके अंदर यूजर मैनुअल है कि चार्ज कैसे करना है। इससे हम इसकी वारंटी को है वो रजिस्टर कर सकते हैं और ये इसका यूजर मैनुअल है। तो हम एक बार इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी की हम बात करें तो बिल्ड क्वालिटी वाकई में काफ़ी शानदार है, फुल फ्लेक्सिबल है और वेट है वो एकदम लाइट है, बिल्कुल भी ज़्यादा वेट नहीं है। ये हम अगर निकालना चाहें तो हमारे पास ये निकालने का ऑप्शन भी है, हम इनको निकाल के भी काम में है वो ले सकते हैं आराम से कुछ इस तरीके से भी। और अगर हम इसको लगा के रखना चाहें तो हम इसको लगा के भी रख सकते हैं, पहले इसको उतारना पड़ेगा और उसके बाद में हम इसके ऊपर है वो हम ये लगाएंगे। और ये कुछ इस तरीके से इसमें फिट हो जाएगा और बाद में हम वापस इसमें ये लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग है, पीछे है वो मेटल फिनिश है वो दिया गया है, सामने की तरफ से ये रबड़ है, ये काफ़ी अच्छा है। और ये जो ईयर टिप्स हैं ये थोड़े से मुझे हार्ड लगे, अगर सिलिकॉन टिप्स होते तो ज़्यादा अच्छा होता। और वायर है वो एक माइक्रोफाइबर है वो वायर है, हमें इनबिल्ट यहीं इसके सारे बटन्स हैं वो मिल जाते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम प्लस माइनस के लिए और पावर ऑन ऑफ के लिए, पेयरिंग के लिए, गूगल असिस्टेंट के लिए, एप्पल सीरी के लिए। और यहाँ हमें मिल जाता है USB टाइप सी का पोर्ट। तो अब हम इसको पेयर करते हैं और पेयर करने के बाद में हम देखते हैं कि इसकी जो साउंड एक्सपीरियंस है वो कैसा है, उसके अलावा इसको पेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना फ़ोन, फ़ोन का ब्लूटूथ है अपना ऑन और सबसे पहले हम करते हैं इसका ब्लूटूथ ऑन। और यहाँ इंडिकेटर है वो जल गया है, पेयरिंग मोड है वो स्टार्ट हो चुका है। हम यहाँ देखेंगे तो अपने यहाँ पेयरिंग मोड में आ जाएगा और बोल्ट ऑडियो क्यू चार्ज है वो मॉडल आ गया है अपना। और हम इसको पेयर करते हैं और पेयर हो गया है, पेयरिंग में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी परसेंटेज हम देखें तो यहाँ बैटरी है वो हमें आराम से इजीली इसकी बैटरी लगभग फुल चार्ज है वो दिखा रहा है। तो अब हम इसमें साउंड म्यूजिक है वो प्ले करते हैं और म्यूजिक प्ले करने के बाद में हम इसमें देखेंगे कि कंफर्टेबल लेवल है वो कितना है। जैसे अभी मैंने इसमें नॉर्मल साउंड है और मैं इसको फुल करता हूँ तो आवाज़ है वो बाहर ज़रूर आ रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन जैसे ही हम इसको टिप्स हैं ये बंद होंगे तो बंद होने के बाद में इतनी ज़्यादा आवाज़ है वो नहीं आएगी। बाकी मैं इसको यूज़ में लेता हूँ अभी और आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो वीडियो को आप देखिए आगे और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल वो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही अलग अलग वीडियोज़ है वो लेके आता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फ़ोन से कर लिया है मैंने इसको कनेक्ट और अब इसको लगा के देखेंगे कि जो एक्सपीरियंस है और कंफर्टेबल लेवल है वो कितना है। यहाँ ये मैग्नेटिक टच दिया गया है ताकि ये इधर उधर ना भागे, आराम से एक जगह पड़े रहें। और सबसे पहले हम इसको लगाते हैं अपने कान में और कंफर्टेबल लेवल है वो हम चेक करते हैं एक बार। ईयर टिप्स हैं वो कान के हिसाब से एकदम सही हैं और फिट है वो एकदम प्रॉपर हो रहा है और कितना भी तेज़ हिला लो बिल्कुल भी ये है बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये कंफर्टेबल है और कैचिंग है वो काफ़ी शानदार है। अब हम एक बार म्यूजिक टेस्ट है वो ज़रूर करते हैं और सॉन्ग प्ले करते हैं और काफ़ी अच्छा म्यूजिक क्वालिटी है इसके अंदर।
50% वॉल्यूम पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी है वो आ रही है। अगर मैं बात करूँ फुल वॉल्यूम की तो सुना नहीं जाता, मतलब इतना ज़्यादा है और मैं जो बोल रहा हूँ एक्चुअली वो भी मुझे सुना नहीं दे रहा, और फुल आवाज़ सुनने लायक तो नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन 50 से 80% तक है वो आप सुनोगे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, 100% कुछ भी अच्छा है वो नहीं होता है। तो बस यही था इस प्रोडक्ट का पूरा हिसाब किताब। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो बाय लिंक अमेज़न का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे किसी भी वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है वहां जाकर आप अगर अमेज़न से कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट है वो मुझे मिलता है। तो वैसे इस प्रकार से आप मुझे सपोर्ट है वो करते रहें और मैं वीडियो बनाता रहूंगा, काम चलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।